दोस्तों यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंडिया के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड और ऑर्गेनाइज जगह है जहाँ पर ब्रोकर्स और ट्रेडर्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2016 में वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है उसके हिसाब से सारे स्टॉक एक्सचेंजेस मिलाकर 77.5 ट्रिलियन डॉलर्स की कीमत के स्टॉक्स स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड हुए। और ये वैल्यू दुनिया के सारे गुड्स और सर्विसेज की जो कीमत 2016 में थी उससे ज़्यादा थी। तो ये वैल्यू दर्शाती है किसी भी देश के लिए स्टॉक एक्सचेंज की क्या अहमियत हो सकती है। तो भारत में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में एटलीस्ट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक सेंट्रल लोकेशन होता है, मगर जो ट्रेड होता है वो किसी फिजिकल लोकेशन से जुड़ा नहीं होता। मॉडर्न मार्केट्स इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं जिनमें कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ज़्यादा स्पीड हासिल होती है, यानी कि आप अपने घर के कम्फर्ट से इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर सकते हैं। आइए अब NSE और BSE जो भारत में मेजर दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इनके बीच का फर्क समझें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के तौर पर स्टार्ट हुआ और जिसे 1957 में एक स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा मिला। तो BSE ना कि भारत का मगर एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उस कंपैरिजन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी नया है, जिसे 1992 में एस्टैब्लिश किया गया एक टैक्स पेइंग कंपनी के तौर पर, मगर फिर आगे चलकर 1993 में इसे एक स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा मिला और 1994 में इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए। डेली टर्नओवर के हिसाब से और जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स स्टॉक एक्सचेंज पर होते हैं उस मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE से बड़ा है। BSE की ऑफिशियल वेबसाइट है BSEIndia.com और NSE की है NSEIndia.com। दुनिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार BSE 10वें नंबर पर आता है और उसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 11वीं पोजीशन पर आता है। BSE पे 6000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, वहीं NSE पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। BSE ने अपने शेयर्स इशू कर कैपिटल रेज किया हुआ है और BSE NSE पर लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फिलहाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जल्द ही NSE का भी IPO लॉन्च होगा। BSE क्लेम करता है कि वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर एवरेज ट्रेड स्पीड 6 माइक्रो सेकेंड्स की है। पहले ओपन फ्लोर पर कोर्ट्स को लिटरली चिल्लाकर यहां पर ट्रेड हुआ करता था, फिर 1995 में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर स्विच हुआ जो कि CMC लिमिटेड ने डेवलप किया था। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम एक ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है जिसे BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग या बोल्ट कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी 80 लाख ऑर्डर्स प्रतिदिन की है। BSE ने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बेस्ड इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम BSEWebEx.co.in को भी लॉन्च किया है, जिससे इन्वेस्टर्स दुनिया भर में कहीं से भी BSE प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं। NSE भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसने फुली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया। तो इसके बाद BSE ने फ्लोर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर स्विच किया। NSE से पहले ट्रेडिंग मेंबरशिप सिर्फ कुछ ब्रोकर ग्रुप्स तक ही सीमित थी, तो जो जनरल पब्लिक थी उनके लिए काफ़ी आसान नहीं था स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना। NSE ने लिटरली इसे चेंज किया और जो जनरल पब्लिक थी उनके लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी आसान बनाया। तो जो टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी इस फील्ड में NSE लेकर आया उसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव रहा लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए और इमीडिएटली भारत में लीडर बन गया। BSE के कंपैरिजन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इसीलिए लिक्विडिटी के मामले में ये BSE से काफ़ी बेहतर है और इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर्स BSE से ज़्यादा NSE को प्रेफर करते हैं। उदाहरण के तौर पर HDFC शेयर्स जो 5 मई 2017 पर NSE पर ट्रेड हुए थे वो 23 लाख शेयर्स थे और उसी दिन जो HDFC शेयर्स BSE पर ट्रेड हुए थे वो 1.32 लाख थे,
यानी कि NSE पर 17 गुना BSE से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए थे। तो BSE इसी वजह से लिक्विडिटी के मामले में NSE से पीछे है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इश्यू नहीं है, मगर ट्रेडर्स जो कि हाई वॉल्यूम ट्रेड करते हैं, लेवरेज पर ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये लो लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको मार्केट का हाल पता करना हो तो इंडेक्स आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर दे सकता है। तो इन दोनों भी स्टॉक एक्सचेंजेस में कुछ मेन प्रकार के जो इंडाइसेस हैं वो है ब्रॉडर इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस और कुछ स्पेशल प्रकार के इंडाइसेस। ब्रॉडर इंडाइसेस आपको मार्केट का एक ब्रॉडर लेवल पर पिक्चर देते हैं, सेक्टोरल इंडाइसेस किसी स्पेसिफिक सेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताते हैं और कुछ स्पेशल प्रकार के इंडाइसेस होते हैं। NSE पर ब्रॉडर इंडाइसेस के जो उदाहरण हैं वो है निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 इत्यादि। वहीं BSE पर ब्रॉडर इंडाइसेस के उदाहरण हैं S&P BSE लार्ज कैप, ऑल कैप, मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स इत्यादि। सेक्टोरल इंडाइसेस के NSE पर उदाहरण हैं बैंकेक्स, ऑटो, FMCG, मीडिया, IT, मेटल इत्यादि। वहीं BSE पर हैं BSE बैंकेक्स, IT, PSU, मेटल इत्यादि। NSE पर कुछ स्पेशल टाइप के इंडाइसेस हैं जैसे कि थीमेटिक इंडाइसेस, स्ट्रैटेजिक इंडाइसेस इत्यादि। थीमेटिक जो कि किसी थीम पर बेस्ड होते हैं जैसे कि MNC, कमोडिटी थीम इत्यादि, और स्ट्रैटेजिक इंडाइसेस जो क्वांटिटेटिव मॉडल्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर बेस्ड होते हैं जो कुछ कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में एक एग्रीगेट सिंगल वैल्यू आपको प्रदान करते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप के इंडाइसेस जो आपको BSE पर दिखाई देंगे उनके उदाहरण है S&P BSE IPO इंडेक्स जो कि IPO परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, S&P BSE SME IPO जो SME IPOs को ट्रैक करेगा, और कुछ वॉलेटिलिटी इंडाइसेस भी आपको BSE पर दिखाई देंगे। सेंसेक्स BSE का बेंचमार्क इंडेक्स है। जो BSE पर स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं उनमें से टॉप 30 स्टॉक्स का यह बना हुआ होता है। उसी तरीके से निफ्टी NSE का बेंचमार्क इंडेक्स है, तो NSE पे जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें से टॉप 50 स्टॉक्स का ये बना हुआ होता है। ये इंडाइसेस पीरियोडिकली रिव्यू होते हैं और जो भी स्टॉक्स लेड डाउन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। जो टेबल्स आप अपने सामने देख रहे हैं ये सेक्टर वाइज वेटेज है फिलहाल इन इंडाइसेस के। तो दोस्तों NSE और BSE पर आज बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। इसे देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हमारे वीडियो ज़रूर शेयर करें। जाने से पहले आपको बता दें कि यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी की पहली बुक जो कि है 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड SIP आप Amazon, Flipkart इत्यादि पर खरीद सकते हैं, और इस बुक को खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।